वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में है बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमने जो वेजिटेबल लिए हैं, इसमें हमने लिए हैं 1.5 कप हमारे पास है गाजर जिसको हमने चॉप काट लिया है, 1 कप हमने लिए शिमला मिर्च, 1 कप हमारे पास है बॉयल मटर, 1 कप हमने लिया है करम कल्ला, 6 अदद हमने लिए बड़ी वाली मोटी हरी मिर्चें जिसको हमने इसको स्टिक शेप में काट लिया है, 1.5 कप हमने लिए बॉयल आलू, 5 अदद हमारे पास ये इसमें बड़े वाले टमाटर लिए इसको हमने चॉप शेप में काट लिया है, 1 कप हमने लिया है फूल गोभी, 1 कप हमारे पास है हरी प्याज इसको हमने ग्रीन वाला पार्ट यूज़ किया है, वाइट वाला पार्ट यूज़ नहीं किया है, और 1 किलो हमारे पास है चावल जिसको हमने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। वेजिटेबल पुलाव के अंदर जो हमने स्पाइसेस यूज़ करने हैं उसके अंदर 2 अदद हमने लिए हैं इसमें प्याज, इसको राउंड शेप में काट लिया है, खड़े गरम मसाले में हमने लिया है 3 अदद हमने लिए तेज़पात के पत्ते, 2 अदद हमने लिए दालचीनी की स्टिक, 7 अदद हमारे पास हैं लौंगे, 1 है हमारे पास बड़ी इलायची, 5 अदद हमने लिए छोटी इलायची, पुलाव में छोटी इलायची थोड़ी ज़्यादा जाती है, 12 से 15 हमने लिए काली मिर्चें, 2 चम्मच हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच हमारे पास है चिली सॉस, 3 चम्मच हमारे पास है सोया सॉस, 2 चम्मच हमारे पास है पुलाव मसाला, नमक हमने लिया हसबे जायका, 1 चम्मच हमने लिया है काली मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच हमारे पास है वाइट पेपर कुटी हुई, इसके अलावा 1.5 कप इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम वेजिटेबल तैयार कर लेते हैं। वॉक में हमने 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे कैरोट, ये गाजर डालेंगे, गाजर के साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं आलू, आलूओं के साथ हम ऐड कर देंगे इसमें मटर, मटर ऐड करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक इस तरह सौते करना है, 3 मिनट तक हमने इसको 3 सब्जियों को फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमने डाल देना है गोभी के फूल, गोभी के फूल ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे करम कल्ला, तो हम इसमें करम कल्ला ऐड कर देंगे, करम कल्ला ऐड करने के बाद हमारे पास जो हरी मिर्चें हैं वो डाल देंगे हम इसमें, हरी मिर्चों के साथ ही हमारे पास जो सॉस है चिली सॉस और सोया सॉस वो डाल देंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना सोया सॉस, चिली सॉस डाल दिया हम, सोया सॉस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉस डालने के बाद हमने तमाम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद हमारे पास जो सफ़ेद मिर्ची और काली मिर्चें हैं वो हमने इसमें ऐड कर देनी है, ज़बरदस्त सी लुक आ रही है पुलाव की, वेजिटेबल हमारी बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। वेजिटेबल हमारी बिल्कुल से रेडी है, अब हमने इसको कवर करके साइड में रख देना है, वेजिटेबल को हमने तैयार करके साइड में रख दिया था। एक पतीला लेंगे बड़ा, इसके अंदर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसके अंदर हमने जो प्याज रखी थी काट के हमने राउंड शेप में प्याज डाल देंगे, प्याज को हमने बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर देना है, प्याज
प्याज हमारी हो गई है गोल्डन। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो हमारे पास खड़े गरम मसाले हैं वो हमने डाल देना है। तेजपात, काली मिर्ची, लौंगे, छोटी इलायची, इनको डालने के साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटर को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसको हमने इस तरह से प्रोटेक्ट किया। अब हमने इसमें डाल देना है पुलाव मसाला। पुलाव मसाला मिक्स करेंगे और इसमें अब हम डाल देंगे चावल। चावल डालने के बाद हमें 3 कप पानी डालना है इसमें। चावल डालने के बाद हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। इसको हमने मिक्स करना है। चावलों को हमने रोटी बनाना है। चावलों का पानी जो है बिल्कुल से खुश्क हो चुका है। चावलों में अब ये एक कनी रह गई है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इस तरीके से चावल को करने हैं और हमने जो वेजिटेबल तैयार की थी वो हमने इसमें डाल दी। वेजिटेबल मिलाने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब लास्ट में हमने क्या है, हमारे पास जो शिमला मिर्च है हमने वो डाल देनी है। शिमला मिर्च के साथ ही हमारे पास हरी प्याज है, वो भी हमने इसमें डाल देनी है ऊपर। हरी प्याज और शिमला मिर्च डालने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना 5 मिनट के लिए दम पे। वेजिटेबल पुलाव हमारा बिल्कुल से रेडी हो गया है सर्व के लिए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको डिश आउट कर लेना है। हमारी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी बिल्कुल से तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। बच्चे बड़े सब के शौकीन होते हैं चावल, सब शौक से खाते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।